गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग जी। मेरा एक सर एक दो क्वेश्चन था। जैसे साहिल जी की जो आपने लिया गया उसमें सर, जैसे चंद्रमा सेकंड हाउस में बट 12th हाउस का मालिक है, तो अगर वो फॉरेन से ऑपरेट करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो उसको अपना गुरु भी उधर पांच हाँ, इंडस्ट्री देख रहा है। उसमें उसमें बिल्कुल बिल्कुल, देखो फॉरेन से भी फायदा मिलेगा। जैसे वो शनि की दृष्टि चौथे में जा रही है ना, स्थिति चेंज कर रहा है वो, तो फॉरेन स्टूडेंट, फॉरेन क्या पता साहिल जी ने बाहर कहीं इवेट कर दिया, वहां से फायदा हो जाएगा इनको। क्योंकि और गुरु प्लस के क्या आसपास है, से जी सर फॉरेन स्टूडेंट्स बढ़ रहे, ऐसा नहीं है। जी तो दूसरी बात यह है कि 12वां घर शत्रु है, तो शत्रु से भी फायदा हो जाएगा इनको, है? नहीं, तो क्योंकि ये भी तो बढ़िया है। गुरु भी देख रहा है पांचवी दसवीं से उसको, बारह घर को। तो वो 12वें घर को देख रहा है, लेकिन वो चंद्र को भी देख रहा है हाँ, चंद्र को भी देख रहा है। यस, हाँ, ना। हाँ, तो वो चंद्र के पावर को बढ़ा देगा। चंद्र को पावर बढ़ा देगा। अच्छा, और सर और एक क्वेश्चन ऐसा सर, कभी इंस्टेंट प्रश्न करने और कभी घड़ी का वर्ष देखने का सर, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, रिजल्ट तो वही आना है। वही है, क्योंकि जैसे कल मैंने आपको भैया आपने बोला, लेकिन कुंडली दोनों अलग बनेगी तो कुंडली आना पड़ेगी बिल्कुल। फिर रिजल्ट अलग नहीं आएंगे। नहीं, जिस वक्त जो बनना होगा वही इंसान लेगा, यही तो अमेजिंग है। आप देखो ना कि सिर्फ सवाल के अलावा भी कितनी सारी चीजें हमने बता दी करेक्ट सर, लोगों के बारे में। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ चलो, आप सब लोग साहिल जी को जानते हो अच्छी तरह, जानते जी, यानी यस हो ना, जानते जी, हो ना, यस पक्का पक्का सर, जानते हो। चलो, अब उनके बारे में आप बताओ इस कुंडली से कुछ। हितेश जी बताओ। तो उनका सर डोमिनेटिंग नेचर होगा, ठीक बिल्कुल होगा, है ना, क्यों होगा? ये लगना है वो एक तो पांच लियो लगन आया, ऊपर से शनि भी देख रहा है, भी तो देख अगर रहे इन्होंने कुछ ठान लिया वो चेंज करना मुश्किल है। हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो इसीलिए थोड़ा रहता और बताइए, लीडरशिप क्वालिटी वो तो हम जानते ही, वे लीडर है ना। शॉर्ट हेयर, सब लड़का का तो यार शॉर्ट ही रहेगा। और दूसरा सर, और इनके नॉलेज भी अच्छा होगा इनके पास सर, नॉलेज अच्छा होगा इनके पास। हाँ, नॉलेज भी इनके पास अच्छी है। सर इसकी स्पाउस टॉल होगी हो सकते हैं, लेकिन इनके स्पाउस भी जिद्दी होगी। सर। अच्छा, सैटर्न, यस जी सर। ठीक है, तो कहने का मतलब इनके बारे में भी हम हर चीज इसी कुंडली से बता सकते सर, हैं। अब इनके जी घर के सर, सब पास, कुछ सही था इनके घर के पास सर। क्या चीज होगी बताओ? इनके घर के पास क्या चीज होगी? हम इनके घर तो कभी गए नहीं, तो घर के पास क्या चीज होगी बताओ? केतु तीसरा आ रहा है ना, तो खिलौने की दुकान इनके घर के आसपास हो सकती है। वो और बगल क्या सकते वाला बिल्डिंग ही वो खिलौना मिलता है वहां, है ना? तो देखो, ये कुछ चाहे कुछ भी आप करो, स्पिरिचुअल हर स्पेस भी हो चीज सकता दिखेगी है, आपको। स्पिरिचुअल स्पेस आश्रम वगैरह भी हो सकता हाँ जी, है सर, आश्रम वगैरह, अब वो तो यही बताएंगे जी क्या प्लान है इनका। क्योंकि घर के बाजू में केतु वो दे देखा ना, 7th वहां पे, वहां केतु, हाँ देखो, केतु जब आया है, आप देखो 11वें घर पे ग्रह भी कहीं ना कहीं, तो सरकारी ऑफिस भी, पार्क भी इनके घर के आसपास हो सकता है। अच्छा, ओके। हाँ ठीक, सर, पार्क है सर, पार्क है। तो कहने का मतलब जो भी कुंडली बनेगी उसके अलावा आप हर चीज बता सकते हो उसी कुंडली से, उसी टाइम से, ओके, यस, थैंक यू। उस मोमेंट में हर चीज उन्हीं की होगी उसी कुंडली से। ये सर सही बात है सर, थैंक यू सर। कैलाश जी अपना जी सवाल पूछे। साहिल जी, मेरी आवाज आ जी रही है जी आपको? जी जी बोलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं आपसे एक ही सवाल, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जॉय सर को लाइफ टाइम में मत छोड़ना। हम नहीं छोड़ते हैं सर, सर के अफसर के नहीं, बताने मैं पर। तो आपके साथ लास्ट 2 साल से हूँ, और जॉय जी सर जी से, जॉय सर के साथ में लास्ट 1 ईयर से हूँ, कि जी जॉय सर जितने धन्यवाद। भी देते। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज।
आप जितने भी देते ज्यादा ही देते एजुकेशन के बारे में। लास्ट वन एक साल से मैं आपके साथ हूँ, यू आर ग्रेट अल्टरनेट, मुझे नहीं कॉमेंट पास करना, लेकिन यू आर एज अ मेंटर इज एक्सलेंट, देर इज नो अल्टरनेट वे फॉर मी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक है, अब मुझे पूछना है। हेलो जी जी बताइए बताइए। आपने एक मिनल शाह का एक पत्रिका ले थे, उसमें बोला था कि उनको पॉलिटिकल कनेक्शन होगा मिनल शाह, वो कैसे, कौन सा? सातवां घर दसवां घर पॉलिटिक्स होता है, वहां राहु बैठा था, मंगल बैठा था और वो लगन को देख रहा था। लगन भी इम्पोर्टेंस होता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका पॉलिटिक्स से एक संबंध और पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन बनेगा आगे जाके। ओके, सातवां घर राहु राहु बैठा है इसके लिए, मंगल मंगल राहु बैठा था, मंगल राहु। ओके, और जो चिंतन जी के बारे में आपने बताया कि उनको बदनामी होगी, किस कौन सा घर से? चिंतन के बारे में आपने बताया था चिंतन जी कि थोड़ा बदनामी हो जाएगी, फेम डिबेट हो जाएगा, लगन में होता है तो बदनामी मिलती है जी। ओ, ड्यूअल रेचा, ड्यूअल में राइटर में भूल गया था, आपने बताया था। लास्ट थैंक्स अ लॉट।